आजकल एयर ट्रैवल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है। एविएशन इंडस्ट्री का किसी भी देश की इकोनॉमी की ग्रोथ में बड़ा रोल होता है। पिछले कुछ दशकों से भारत की एविएशन मार्केट ने बहुत तरक्की की है। भारत में आज 487 एयरपोर्ट्स या एयर स्ट्रिप्स हैं, जिनमें से 137 एयरपोर्ट्स एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज करती है। भारत में 29 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, 3 सिविल एनक्लेव्स, 10 कस्टम्स एयरपोर्ट्स, 4 सिविल एनक्लेव्स और 103 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स, 23 सिविल एनक्लेव्स हैं। आज भारत की एविएशन मार्केट यूएस और चाइना के बाद दुनिया में तीसरे नंबर पर है। अनसुनी कहानी है कि इस वीडियो में हम आपको इंडिया के 10 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स के बारे में बताएंगे। इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। लाइक शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। नंबर 10, पुणे एयरपोर्ट। पुणे एयरपोर्ट भारत का 10वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। ये पुणे शहर से 10 किलोमीटर दूर लोहगांव में है। यहाँ दो टर्मिनल्स हैं, एक डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए यूज होता है, दूसरा भारतीय वायुसेना के यूज के लिए है। 2021-22 में 37,13,491 पैसेंजर्स, 30,821 एयरक्राफ्ट मूवमेंट और 28,702 कार्गो टनेज को मैनेज किया गया है। इस एयरपोर्ट को एशिया पैसिफिक में 2020 में बेस्ट एयरपोर्ट बाय हाइजीन का अवार्ड मिला था। एयर ट्रैफिक की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए इस एयरपोर्ट पर एक्सपेंशन की कमी होने के कारण एक नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की योजना बन रही है, जिसके लिए 2500 हेक्टेयर लैंड एक्विजिशन की जरूरत है। नंबर 9, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला। 1999 में खोला गया कोचीन एयरपोर्ट पूरी तरह से सोलर एनर्जी से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट है। PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर डेवलप होने वाला भी पहला एयरपोर्ट है। 2021-22 में 47,17,777 पैसेंजर्स और 43,195 एयरक्राफ्ट को मैनेज किया गया। इसके दो डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल टर्मिनल है। व्यस्तता में इसका स्थान 9वां है। CIEL 2008 से एविएशन मैनेजमेंट और टेक्निकल एरिया में हायर एजुकेशन भी देता रहा है। 2016 में इसे भारत का बेस्ट नॉन मेट्रो एयरपोर्ट चुना गया। 2018 में इस एयरपोर्ट को UN ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर के अवार्ड के लिए चुना था। 8, दाबोलिम एयरपोर्ट गोवा। पुर्तगालियों द्वारा 1955 में बनाया गया यह एयरपोर्ट शायद भारत का सबसे सुंदर एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट वास्को द गामा से 4 किलोमीटर दूर दाबोलिम में लोकेटेड है और लगभग 1800 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। नागरिक हवाई अड्डा होने के साथ साथ ये भारतीय नेवी के हवाई अड्डे के रूप में भी कार्य करता है। इसका नया टर्मिनल जो 2013 में बना था, हर साल 7.6 मिलियन यात्रियों की अपनी चरम क्षमता पर कार्य कर रहा है। 2017 में यहाँ से 50,000 उड़ानें संचालित हुई थी। ये भारत का 8वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। 2021-22 में 51,33,851 पैसेंजर्स और 39,601 एयरक्राफ्ट को हैंडल किया गया। 7, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद से 9 किलोमीटर दूर हंसोल में है। ये एयरपोर्ट भारत के टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में 7वें नंबर पर आता है। ये एयरपोर्ट 26 जनवरी 1991 को ओपन हुआ था और ये 4.5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इसमें 3.5 मीटर का एक सिंगल रनवे है। टर्मिनल 1 डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए और टर्मिनल 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए यूज होता है। 2021-22 में इस एयरपोर्ट पर 56,70,896 पैसेंजर्स और 40,209 एयरक्राफ्ट के मूवमेंट्स को मैनेज किया गया। इस एयरपोर्ट को 2017 में एशिया का मोस्ट इम्प्रूव्ड एयरपोर्ट का अवार्ड मिल चुका है। नंबर 6, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चेन्नई एयरपोर्ट 1942 में ओपन हुआ था। इसका पुराना नाम मद्रास एयरपोर्ट था। ये चेन्नई शहर से 21 किलोमीटर दूर तिरुसलेम में लोकेटेड है और 1323 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। टर्मिनल 1 कार्गो के लिए, टर्मिनल 2 डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए, टर्मिनल 3 इंटरनेशनल अराइवल्स और टर्मिनल 4 इंटरनेशनल डिपार्चर्स के लिए है। 2021-22 में यहाँ 95,33,301 यात्रियों और 91,609 एयरक्राफ्ट के मूवमेंट्स को हैंडल किया गया। इस एयरपोर्ट का सबसे पहले ISO 9001:2000 सर्टिफिकेट मिला था। इस एयरपोर्ट की एक और खास बात है, वो है इसका वर्टिकल गार्डन जो 400 मिलियन रुपए की लागत से बना है और यहाँ पर 40 अलग अलग किस्मों के प्लांट्स हैं। ये वर्टिकल गार्डन टर्मिनल से बहुत सुंदर दिखता है। ये एयरपोर्ट भारत के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में 6 नंबर पर है। आप में से अगर किसी ने ये वर्टिकल गार्डन देखा है तो अपना एक्सपीरियंस को कमेंट करके हमारे साथ शेयर कीजिएगा। नंबर 5, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूर्वी भारत का सबसे बड़ा और भारत का 5वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट 1924 में ब्रिटिश रूल के समय से बना था। ये कोलकाता से 15 किलोमीटर दूर दमदम में लोकेटेड है, इसलिए इसे कलकत्ता एयरपोर्ट और दमदम एयरपोर्ट भी कहते हैं।
पर बाद में इसका नाम बदलकर फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रख दिया गया था। ये एयरपोर्ट 1641 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। 2021-22 में यहाँ से 1,10,36,108 पैसेंजर्स और 72,170 एयरक्राफ्ट के मूवमेंट्स को हैंडल किया गया। इस एयरपोर्ट ने 2014 और 15 में एशिया पैसिफिक में बेस्ट इम्प्रूव्ड एयरपोर्ट का टाइटल जीता और 2020 में बेस्ट एयरपोर्ट बाय हाइजीन मेजर का अवार्ड भी जीता था। नंबर 4, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। ये एयरपोर्ट 2008 से यात्रियों को सेवाएं दे रहा है। पहले इसका नाम बेगमपेट एयरपोर्ट था, जो बाद में बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रख दिया गया। ये देश का चौथा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। RGIA साउथ हैदराबाद से 24 किलोमीटर दूर शमशाबाद में लोकेटेड है और ये 5,495 एकड़ में बना और एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट पर एक पैसेंजर टर्मिनल, एक कार्गो टर्मिनल और दो रनवे हैं। 2021-22 में यहां से 1,24,29,796 पैसेंजर्स और 1,13,926 एयरक्राफ्ट का मूवमेंट हुआ। 2009 में यहां पर GMR एविएशन अकेडमी की स्थापना हुई थी, जिसमें एयरपोर्ट ऑपरेशंस रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। नंबर 3, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का तीसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। इसे बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है। बेंगलुरु एयरपोर्ट 2008 में बेंगलुरु शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर देवनहाली में ओपन हुआ था। इस हवाई अड्डे पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए एक ही टर्मिनल है। यहाँ एक कार्गो विलेज और एक कार्गो टर्मिनल है। यहाँ से 2020-21 में लगभग 1,62,87,097 यात्रियों को हैंडल किया गया और 1,48,014 एयरक्राफ्ट का मूवमेंट हुआ था। BLR में कुछ एडिशनल फैसिलिटीज भी हैं, जैसे कि केटरिंग सर्विस, फ्लाइट प्लानिंग रूम्स और VIP लाउंज फॉर ट्रैवलर्स। इसका नाम बैंगलोर के फाउंडर केम्पेगौड़ा के नाम पर रखा गया है। ये कर्नाटका का पहला पूरी तरह से सोलर एनर्जी से ऑपरेट होने वाला एयरपोर्ट है। इसके एक्सटेंशन का काम भी चल रहा है, जिसके कंप्लीट होने के बाद यहाँ हर साल 55 मिलियन यात्रियों को हैंडल किया जा सकेगा। नंबर 2, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ब्रिटिश रूल के समय 1942 में ओपन हुआ था और आज ये भारत का दूसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट 1850 एकड़, 750 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 1999 में इस एयरपोर्ट का नाम शहर एयरपोर्ट से छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया। यहाँ से लगभग 2021-22 में 2,17,47,892 पैसेंजर्स और 7,70,953 कार्गो टनेज और 1,86,186 एयरक्राफ्ट को हैंडल किया गया। यात्रियों को अच्छा अनुभव देने के कारण इसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का नाम भी दिया गया है। इस एयरपोर्ट पर T2 टर्मिनल पर GVK न्यू संग्रहालय है, जिसमें भारत के हवाई अड्डों के इतिहास को प्रदर्शित करने वाली 5,000 से अधिक प्रदर्शनियां हैं। इसके दो टर्मिनल्स हैं, T1 डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए और T2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए, और दो क्रॉसिंग रनवे हैं। यहां का IATA कोड BOM है। 2020 में इस एयरपोर्ट को एशिया पैसिफिक में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला था। नंबर 1, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। IGI एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। IGI 1960 में ओपन हुआ था। ये 5,106 एकड़ में फैला हुआ है। 2021-22 में इस हवाई अड्डे ने 3,93,39,999 यात्रियों, 3,19,571 एयरक्राफ्ट और 9,24,343 कार्गो टनेज को हैंडल किया। सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से एयरपोर्ट 36,11,181 सीट्स के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। ये तीन टर्मिनल्स T1, C2D, T2 और T3 के साथ काम करता है और इनमें से एक टर्मिनल भारत का सबसे बड़ा टर्मिनल है। बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए यहाँ पर टर्मिनल 4-5-6 बनाए जाने की भी योजना है। ये दिल्ली की एयरपोर्ट एक्सप्रेस ऑरेंज लाइन और राष्ट्रीय राजमार्ग 48 द्वारा मिडल दिल्ली से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये पालम में लोकेटेड है, इसलिए इसे पालम एयरपोर्ट भी कहते हैं। ये एयरपोर्ट ACDM एयरपोर्ट कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग एडवांस सिस्टम यूज करता है। ये सिस्टम फ्लाइट्स की समय से लैंडिंग और टेक ऑफ करवाने में हेल्प करता है। ये थे भारत के 10 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स। आप इनमें से कौन कौन से एयरपोर्ट पर गए हैं? आपको सबसे अच्छा एयरपोर्ट कौन सा लगता है? अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में साझा कीजिएगा। लाइक शेयर करते रहिए और देखते रहिए अनसुनी कहानियां की सारी वीडियोस।